जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प में। आज है 10 अप्रैल और 10 अप्रैल का करंट अफेयर हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। 10 अप्रैल के टॉप जितने भी क्वेश्चन हैं करंट अफेयर के लिए, वो सभी की सभी इस वीडियो के अंदर फुल तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइज, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन है वो आपको सही समय पर मिल सके। और गाइज, इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से PDF इसका ले सकते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने है, चीन ने कोरोना वायरस के कारण वुहान शहर का लॉकडाउन कितने दिनों में हटाया है। चाइना रिमूव लॉकडाउन ऑफ वुहान सिटी ड्यू टू कोरोना वायरस इन हाउ मैनी डेज। अब ऑप्शन आपके सामने है 36, 76, 53 और 87। इसमें से एक राइट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। चीन ने कोरोना वायरस के कारण है वुहान सिटी का वो लॉकडाउन लगाया हुआ था, वो लॉकडाउन हटा दिया है, और कितने दिनों के बाद में लॉकडाउन हटाया है ये आपसे पूछा गया है। तो 76 यानी 76 दिनों के बाद में वहाँ से है लॉकडाउन को पूर्णतः रूप से हटा दिया है। चीन में सबसे पहले कोरोना वायरस का यहीं पर जो केस है सबसे पहले देखने को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट से संबंधित है एक क्वेश्चन आता है, आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए सभी के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। गाइस, करंट अफेयर आपको मैंने बता रखा है, रेलवे, SSC, एयरफोर्स, जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सब में जिसमें GK आता है और करंट अफेयर आता है, उस सभी के लिए जो आपका इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर। ओके, तो गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आज का ये है कि 2020 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट का खिताब किसने जीता है। 2020 बेस्ट क्रिकेटर टाइटल फ्रॉम हु हैज़ वन, ठीक है। तो ये गाइस आपका बता देते हैं, आपको ऑप्शन आपके सामने है, बेन स्टोक्स, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बेन स्टोक्स होगा, ठीक है। विजडन के द्वारा जो दिया जाता है ना, विजडन के द्वारा आपका जो बेस्ट क्रिकेटर है वो चुना गया है, ठीक है। और ये जो बेन स्टोक कहाँ से रहने वाले हैं, कहाँ के खिलाड़ी हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये इंग्लैंड की है, ऑलराउंडर बल्लेबाज है इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, इनको सर्वश्रेष्ठ 2020 का जो खिलाड़ी है वो खिताब इनको दिया गया है, चुना भी गया है। ओके, तो ये क्रिकेट से संबंधित है ये क्वेश्चन, आपको इसमें ध्यान भी रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका है, फोर्ब्स के द्वारा जारी 2020 की अरबपतियों की सूची में लगातार तीसरी बार शीर्ष पर रहा है। यानी फोर्ब्स है जो कि एक आपका अरबपतियों की लिस्ट जारी करता है, तो 2020 की लिस्ट भी उसने जारी कर दी है, तो उसके अंदर है वो फिर से उसी तीसरी बार, यानी इस बार जो 2020 है उससे पहले दो बार रह चुका है और इस बार भी वह अपने ही स्थान पर है सबसे पहले, यानी नंबर वन टॉप पर कौन है वो आपसे पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है, जेफ बेफोस, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, नन। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो जेब बेफोस, ओके, जो कि कौन है ये आपसे पूछा जाए तो ये अमेजोन कंपनी के आपके संस्थापक हैं, ओके। जो अमेजोन कंपनी है ई कॉमर्स की, यानी ऑनलाइन जो मार्केटिंग करती है, आपको जो घर पे अपने जो प्रोडक्ट उपलब्ध करवाती है ऑनलाइन, जो हम वहाँ से खरीदते हैं वही अमेजोन है, ओके। और उसके बाद में बात करें सेकेंड नंबर पर कौन रहा है, तो सेकेंड नंबर पर बिल गेट्स है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया है। और मुकेश अंबानी की बात करें तो मुकेश अंबानी किसी समय में लास्ट टाइम में आपके एशिया के सबसे, मतलब एशिया के सबसे नंबर वन पर रह चुके हैं, लेकिन अभी हाल ही में जो जारी हुई है वो अपने 9 स्थान पर, मैंने आपको बताया था पहले, 9 स्थान पर पायदान खिसक चुके हैं, क्योंकि अभी कोरोना वायरस के कारण इनकी अर्थव्यवस्था भी सब देशों की अर्थव्यवस्था और पूंजीपति लोगों का सब कुछ मामला गड़बड़ा गया है, ठीक है। तो यही था इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके सामने है, हाल ही में भारत को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए मदद प्रदान की है। यानी कोविड-19 के लिए भारत भी अन्य देशों की लगातार सहायता कर रहा है, और तो भारत देश के लिए भी कुछ अन्य देशों ने सहायता प्रदान की है, तो वो कौन सी हैं। हैज़ रिसेंटली प्रोवाइडेड हेल्प टू इंडिया टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन आपके सामने है, इटली है, अमेरिका है, चीन है, रूस है, किसने ये घोषणा की है। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो अमेरिका और चीन, दोनों देशों ने भारत देश की सहायता के लिए आगे आए हैं इन्होंने। तो दोस्तों अमेरिका ने भी अपने जो क्या है कि कुछ मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है यहाँ पे, और उसके बाद में बात करें तो चीन ने भी अपना भारत देश के लिए यहाँ पे जो कोविड-19 के लिए सुरक्षा के लिए और ज़रूरतमंद जो उपकरण है सहायता होने के लिए वो उपकरण देने की उन्होंने घोषणा की है। ये गाइज दोनों देशों ने यहाँ पे भारत देश के लिए सहायता की है, ओके। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आज का, यहाँ पे टॉप पेरेंट ऐप किसने लॉन्च किया है।
टॉप पेरेंट ऐप किसने लॉन्च किया है? हु इज द टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च्ड? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, किस स्टेट ने ये आपका लॉन्च किया है? तो ये आपसे पूछा गया है और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो मध्य प्रदेश होगा। ओके, मध्य प्रदेश ने टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया है। और गाइज, क्योंकि आपको पता है हर एक क्षेत्र में अभी जो लॉकडाउन की वजह से है इतनी एप्लीकेशनें लॉन्च की गई है और इतने वेबसाइटें तैयार की गई है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हर एक क्षेत्र में सभी योगदान देने में लगे हुए हैं। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? यानी अभी तक सबसे पहले लॉकडाउन कहाँ पर लागू हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए, पूरे भारत के अंदर किस राज्य ने सबसे पहले लॉकडाउन लागू किया था। और यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बना है कि अभी तक लॉकडाउन है, स्थिति बहुत ही ख़राब ही है, ज़्यादा कुछ स्टेट 7 से 8 स्टेट के अंदर कोरोना वायरस की स्थिति बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब है, तो वहाँ पर तो निश्चित रूप से लॉकडाउन बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप समझदार हैं सभी कैंडिडेट्स, लॉकडाउन के बिना इस पर काबू पाना मुश्किल है। तो यहाँ पर 30 अप्रैल तक सबसे पहले लॉकडाउन किस स्टेट ने बढ़ाया हुआ आपसे पूछा गया है। हु इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ द कंट्री टू रेस लॉकडाउन बाई 30 अप्रैल? ओके, ये आपसे पूछा गया है। तो ये कौन सा राज्य है? ओडिशा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, किसने यहाँ पर जो आपका लॉकडाउन बढ़ाया 30 अप्रैल तक? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ओडिशा होगा। ओडिशा ने सबसे पहले यहाँ पे 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है, जबकि केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे 14 अप्रैल तक सभी राज्यों के अंदर लॉकडाउन लागू था। अब उसके बाद में डिपेंड करेगा कि सरकार की वहाँ की राज्य सरकार की क्या स्थिति है, राज्य में क्या स्थिति है, वो सरकार राज्य सरकार वहाँ पे केंद्र सरकार से मिलकर इसके ऊपर लॉकडाउन आगे बढ़ा सकती है। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक में डिसीजन लिया गया है। ओके, और उसके बाद में बात करें सबसे पहले किसने जो लॉकडाउन लगाया था, राजस्थान ने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था पूरे भारत के अंदर। ओके, पूरे भारत के अंदर सर्वप्रथम मोदी जी के आदेश से पहले ही राजस्थान को लॉकडाउन कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आज का, किस देश ने WHO के वित्त पोषण पर रोक लगा दी है? जो आपका WHO है उसको वित्त दिया जाता है, तो उस पर रोक लगा दी है जो एक कंट्री है, उसका नाम आपसे पूछा गया है। विच कंट्री हैज़ पुट ए होल्ड ऑन द फंडिंग ऑफ WHO? ओके, ऑप्शन आपके सामने है, अमेरिका, भारत, चीन और फ्रांस। तो ये किस देश ने ऐसा किया है ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन अमेरिका होगा। अमेरिका ने है WHO को जो अपना वित्त पोषण देने से मना कर दिया है, उस पर रोक लगा दी है, क्योंकि जो कोरोना वायरस की महामारी फैली है उसके अंदर WHO ने किसी को सचेत नहीं किया इसके लिए, और उस WHO के साथ साथ उसने चीन पर भी आरोप लगाया है। ठीक है, तो चीन ने ये अपनी चली चाल चली है, क्योंकि ये कोई वायरस नहीं है, उसकी जानबूझकर देशों को बर्बाद करने के लिए ये ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, इंडोर हॉकी विश्व कप 2021 यानी 2021 की मेजबानी कौन करेगा? हु इज द होस्ट ऑफ इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप 2021? ओके, ऑप्शन आपसे दिए गए हैं, बेल्जियम है, भारत है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, कौन सा देश जो इसका मतलब मेज़बानी करेगा इंडोर हॉकी विश्व कप 2021 का? यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका होगा बेल्जियम। बेल्जियम है वो आपका 2021 के लिए यहाँ पे इंडोर हॉकी विश्व कप का मेज़बानी करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नए MD एंड CEO किसे बनाया गया है? हु आर द न्यू MD एंड CEO ऑफ भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस? ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, प्राग राजा, विकास सेठ। तो इसका राइट ऑप्शन गाइज होगा प्राग राजा, और इससे पहले कौन थे? विकास सेठ इस भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नए MD थे, पहले इससे पहले थे, लेकिन हाल ही के अंदर किसे बनाया गया है? प्राग राजा को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं गाइज। यहाँ पे हाल ही में भारत सरकार ने COVID-19 से निपटने के लिए कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? यानी भारत सरकार ने COVID-19 के लिए बचने के लिए, इसे निपटने के लिए एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, वो आपसे पूछा गया है। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड विच ई लर्निंग प्लेटफॉर्म टू टैकल COVID-19? ओके, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपके सामने दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, आई गोट, करुणा, समाधान और नन। तो आपको एक राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा आई गोट। ओके, आई गोट है वो आपका राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा, और यहाँ पे जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
हाल ही में सार्क ने सदस्य देशों को कोविड-19 परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर का आवंटन किया है, यानी सार्क देश में जो देश आते हैं उसके अंदर है उन देशों को कोविड-19 के लिए लड़ने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सार्क समूह है एक आपका, ठीक है, तो उसने क्या किया है, कितने मिलियन डॉलर है वो सहायता प्रदान किया सभी को समानता के साथ, तो वो आपसे पूछा गया है, यानी आपको ये पूछा गया है, रिसेंटली सार्क हैज़ अलॉटेड हाउ मैनी मिलियन डॉलर्स टू मेंबर कंट्रीज फॉर कोविड-19 प्रोजेक्ट, ओके, तो ये आपसे पूछा गया है, 2 मिलियन डॉलर, 5 मिलियन डॉलर, 10 मिलियन डॉलर, 7 मिलियन डॉलर, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा 5 मिलियन डॉलर, ओके, 5 मिलियन डॉलर है वो सभी जो सार्क के समूह देशों में आते हैं, 8 देश हैं जो कि आते हैं, श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इस तरीके से 8 देश सार्क के समूह के अंदर आते हैं, तो उन सभी देशों को 5 मिलियन डॉलर का सहायता की जाएगी कोविड-19 से बचने के लिए। तो गाइज ये आपके टॉप 10 क्वेश्चन थे आज के लिए और आपका 10 अप्रैल के लिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बिल्कुल अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और जितने भी सोशल मीडिया वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा, और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है और आप सर्च भी कर सकते हैं ऑनलाइन जॉब हेल्प से, आइकन सेम मिलेगा वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आपको PDF और क्वेश्चन अलग तरीके के भी मिलते रहते हैं और इसका PDF भी आपको वहाँ से डाउनलोड करने को मिल जाएगा। तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, मिलता हूँ एक और नई अपडेट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।